अच्छा तो हुन एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है? हाँ यार, बताया तो था तुझे। बताया था? ओ यार, दिमाग से स्लिप हो गया होगा। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। पर होगा कैसे? और ठंड रखे यार। ओए गल दस, छोले भटूरे खाएगा? ओए होए होए, क्या कमाल के छोले भटूरे मिलते हैं यहाँ। यार मनप्रीत, पहले तू मेरा ये काम कर दे। ओ काम तो तेरा हो ही जाएगा यारा। अंकल जी, आपके लिए मंगाओ छोले भटूरे। वो फिर कभी खाएंगे, बस तुम जल्दी से ये। अच्छा जी, जैसी आपकी मर्जी। कमाल ही हो गया, ये एमसीए की साइड से सब कुछ बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज हो गया अंकल जी। पहले तो बंदा पेपर वर्क करते करते थक जाता था। यू आर राइट, हमारे जमाने में ये सब इतना आसान नहीं था, पर अब ये एमसीए इन्वेस्टर और नए बिजनेसमैन दोनों का पूरा ख्याल रखता है। वैसे भी काम अगर कानूनी तरीके से हो तो मन और दिमाग दोनों ही शांत रहते हैं। Am I right? वाह वाह अंकल जी, लख रुपए की गल कीती है तुसी, लख रुपए की। चल तेरा फॉर्म भर देते हैं, और जब तेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो बाकी की इंफॉर्मेशन जैसे नेम, एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह अपने आप वेबसाइट में भरती रहेंगे। अच्छा बेटा, कि नई कंपनी शुरू करने के लिए हमें क्या क्या करना है ये बता दो, ताकि सब काम जल्दी से हो जाए। एक मिनट अंकल जी। हेलो अंकल जी, DIN फॉर्म मैंने डाउनलोड करते हैं। भाई मुकुल, तू फटाफट से ये फॉर्म भर दे, तेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होते ही। ओ फिर अंकल, 7 दिनों के अंदर अंदर हमारे पास DIN अप्रूवल आ जाएगा, और फिर बात ही खत्म। और उसके बाद मुकुल को अपने डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर करने होंगे। एग्जैक्टली, फीस के साथ अप्लाई करते ही 2 दिनों के अंदर अंदर डिजिटल सिग्नेचर अलॉट हो जाते हैं। ओ वैसे मुकुल, कल दस तूने कंपनी का नाम क्या सोचा है? अवध दिशा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। वाह जी वाह, पापा और वाइफ के नाम पर। वैसे मुकुल, हमें 5-6 ऑप्शन और देनी होंगी। क्यों? सरकारी रिक्वायरमेंट होती है यार, क्योंकि हो सकता है इस नाम की कोई और कंपनी भी एग्जिस्ट करती हो और ना भी करती हो। मैं तो कहता हूं फिर भी सेफ्टी के लिए ऑप्शंस लेकर चलनी चाहिए। और जैसे एक प्लेट से अगर दिल ना भरे तो दूसरी प्लेट है ना सेफ्टी के लिए। यार मनप्रीत, तुझे सीए किसने बना दिया? तुझे तो शेफ होना चाहिए था। और दिल की बात कह दी यार, दिल की बात। वैसे अंकल जी, बुरा ना मानना कि डैडी जी के चक्कर में ना कभी कभार बच्चों की लाइफ की लग जाती है। और मेरे डैडी जी सीए थे और मुझे भी बना दिया। वैसे मुकुल, तू इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलर फाइल कर रहा है ना? हाँ यार, ऑनलाइन भर रहा हूँ। गुड यार, ये जो मेरा रास आ बिजनेस है ना, ये भी ई-फाइलिंग वाले डुबो देंगे। अच्छा अब क्या क्या फॉर्मेलिटीज है अब तू वो भी बताएगा?